नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में कार्यरत एमपी शर्मा 31 जनवरी को हो गए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने के बाद उनका मान सम्मान जगह जगह कई कारणों के अंदर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार संघ हनुमानगढ़ के द्वारा डॉक्टर एमपी शर्मा का जहाँ सम्मान किया गया और उनकी हनुमानगढ़ के अंदर जो सेवा काल रहे उसको याद किया गया। आपको बता दें कि एमपी शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में सेवारत रहते हुए कई प्रकार के वहां निर्माण के कार्य करवाए और कई प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए जहां एक और प्रशासन और राजनीतिक व्यक्तियों से राजनीतिक पार्टियों से मिलजुल कर सामंजस्य स्थापित कर राजकीय चिकित्सालय की स्थिति को सुधारने के लिए लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। इसीलिए जनता उनको याद करती है, उनके कार्यकाल को याद करती है और उनका इसीलिए सेवानिवृत्ति के बाद जगह जगह पर सम्मान भी इसी कारण हो रहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर राजकीय चिकित्सालय की स्थिति को सुधारने में अच्छा काम किया है। और मिलनसार व्यक्ति के धनी थे और एमपी शर्मा के द्वारा अपने सेवाकाल के अंदर जहाँ भी रहे हैं उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास किया है, लोगों का दुख दर्द समझने का प्रयास किया है और ख़ासकर जो भी चिकित्सालय में रोगी आते हैं उनके इलाज के लिए वे तत्पर रहते थे। इसीलिए उनको जनता याद कर रही है और उनके सेवाकाल को याद जनता रखेगी, ऐसा ही विचार आज बार संघ के अंदर भी प्रकट किए गए। उनके कार्यकाल को याद किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी बार संघ के द्वारा आज हनुमानगढ़ वार संघ परिसर के अंदर किया गया। इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया, पौधारोपण पर्यावरण के प्रति भी वे सजग रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज सेवानिवृत्ति के बाद वार संघ परिसर के अंदर आज पौधारोपण भी किया है और पौधारोपण का संदेश दिया है कि चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जगह मिले, जहाँ भी समय मिले, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। सर, आप सेवानिवृत्त हुए हैं और चिकित्सा विभाग तो आपको सम्मानित कर रहे हैं, बार संघ में आज पहुंचे, क्या कारण क्या है? ये तो सब मेरे वकील भाई बहनों का प्रेम है और इन्होंने मुझे एकदम से, मुझे पता नहीं था क्यों बुला रहे हैं, लेगा जी का फ़ोन आया था कि आप आओ ऑफिस में और मैं एकदम अभिभूत हो गया, अच्छा लगा मुझे और मैं क्या बोलूँ, मैं भावुक हो रहा हूँ। वकीलों ने मेरे को इतना शानदार जो ये किया है इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, सभी का, लेगा जी का और सारे वकील जो मक्का सर भाई साहब और वकील दूसरे सभी जो हैं उनका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। एक सेवानिवृत्ति के बाद क्या जी, कोई अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो कई तो परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है समय को कैसे व्यतीत किया जाए, आपका क्या प्लान है आगे? मैं सरकारी नौकरी में कल ही उसे मतलब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पर आज की व्यवस्था देखते हुए मुझे टाइम की कमी फिर रहेगी और मैं कुछ नए भी काम करने की कोशिश करूँगा। तो एक मीडिया में खबर आ रही है कि आप राजनीति में भाग लेने जा रहे हैं, मेरा स्कूल टाइम से लेकर हमेशा इसके प्रति आकर्षण रहा, अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, लेकिन आकर्षण जरूर है निश्चित रूप से। ठीक है सर, थैंक यू। आपको बता देंगे एमपी शर्मा छात्र जीवन से ही राजनीति में भाग लेते रहे हैं और उनसे मीडिया के द्वारा जो सवाल भी पूछा गया था, कलम न्यूज के द्वारा सवाल पूछा गया कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद वे राजनीति की तरफ जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति के अंदर शुरू से मेरी रुचि रही है और रुझान राजनीति की तरफ ही उनका रहेगा और आगे आने वाले समय में वे राजनीति में रहकर जनता की सेवा करने के लिए भी आगे रहेंगी, जैसा कि उन्होंने यही विचार प्रकट किया है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।